रविवार को पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने नगर सर्किल के समस्त थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों के साथ पुलिस लाइन के सभागार में नगर सर्किल की पहली बैठक की, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नगर सर्किल में लूट, डकैती, चोरी, अवैध शराब व मादक पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने तथा इनामी घोषित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, जेल से जमानत पर निकलने वाले अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने, वर्कआउट करने व असामाजिक तत्वों पर पैनी दृष्टि रखकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी से कहा कि थाने या चौकी पर आने वाले लोगों के साथ मृदुल भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि पुलिस में जनता का विश्वास बहाल हो सके। थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क पर हर समय महिला कांस्टेबल की ड्यूटी पर तैनात रहें ताकि महिलाओं के आने वाली समस्याओं को महिला सिपाही निस्तारित कर सके तथा महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी सिविल में लगाई जाए, जिससे स्कूल आने वाली छात्राओं को मनचलों से बचाया जा सके और स्कूल के समय कोई मनचला अगर बार बार दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। इस अवसर पर नगर के सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ऑफिस का फोन नहीं है बेसिकली, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आने ऑफिस का फोन प्रोवाइड करवाया जाएगा आपका। और बताइए। हाँ नहीं है आइडिया मैं में। कितने घंटे का बैकअप है? ठीक है, उसको एंजॉय कराएंगे। और बताइए, यह बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही है। आज जनपद गोरखपुर के नगर क्षेत्र के जितने भी थाना अधिकारी एवं चौकी इंचार्ज हैं, सभी के साथ थाने की बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए पुलिस लाइन सभागार में बैठक की गई। इसमें सभी बीपीओस, चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, उनके जो कार्य हैं उनके बारे में उनकी जिम्मेदारियाँ को याद दिलाया गया। मालखाना के डिजिटाइजेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम है उसको गति दी जाए, उसके लिए निर्देश दिए गए। साइबर हेल्प डेस्क, किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा थाना समाधान दिवस पे भूमि संबंधी जितने भी विवाद हैं उनके निस्तारण के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। और माफिया, गुंडा, गैंगस्टर, इन तीनों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनपद में अवैध अतिक्रमण जो हटाया गया है उसमें वापस दोबारा अतिक्रमण ना हो और ना ही नया अतिक्रमण कोई कर पाए, उसके लिए प्रभावी निर्देश दिए गए हैं। जनपद के जितने भी क्षेत्र हैं जिसके अंदर सीसीटीवी कैमराज, उनके माध्यम से सीसीटीवी मैपिंग की जाएगी और हॉटस्पॉट मैपिंग भी की जाएगी, जिसके माध्यम से पता चलेगा कि कहां कहां क्राइम बार बार हो रहा है। उसके चिन्हांकन के बाद में इफेक्टिव पुलिसिंग हो उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। थाने की साफ़ सफाई, गौ तस्करी पर 100% अंकुश एवं चौकीदारों की भी भूमिका को थाने के इफेक्टिव प्रबंधन में उनका यूटिलाइजेशन हो, उससे संबंधित दिशा निर्देश किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद गोरखपुर के नगर क्षेत्र में क्राइम से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबका निस्तारण होगा और एक अच्छी और अच्छी पहल और अच्छी जनपद गोरखपुर पुलिस की इमेज उभर के आएगी। थैंक यू।